हाय, मेरा नाम डॉक्टर संजय चुग है। मैं सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ, न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं लेट्स अप पर। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पेरेंटिंग के टिप्स आपको देने की चेष्टा कर रहा हूँ। हमने पिछली बार बात करी किस तरह से माँ और बाप जो है अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल्स होते हैं। जिस घर में अच्छे रोल मॉडल हैं, बच्चे बड़े होकर अच्छे बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर अब हम एक ऐसे घर में देखते हैं जहाँ पे माँ बाप के बीच में लड़ाई होती है। मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि माँ और बाप में लड़ाई हो रही है, बाप हाथ उठाता है माँ के ऊपर, देर इज डोमेस्टिक अब्यूज और माँ उसको टॉलरेट कर रही है। उस घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़के को क्या सीख मिलती है? उसको ये सीख मिलती है कि कोई भी रिलेशनशिप हो, क्योंकि उसके लिए माँ और बाप से बड़े रोल मॉडल्स कोई नहीं है, उसको क्या सीख मिली कि मेरा बाप अगर ऐसा करता है, जब माँ के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, लड़ाई हुई, तो एक आदमी के लिए औरत के साथ ऐसा करना बिल्कुल उचित है। जब वो बड़ा होगा, वो मैं लिख के दे सकता हूं कि चांसेस 50-60-70% हो जाते हैं कि वो बड़ा होके उसी तरह का एब्यूजिव पुरुष बनेगा। हो सकता है अपनी बहन के साथ ही शुरू हो जाए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, अपनी वाइफ के साथ हो, क्योंकि उसने अपने बाप को ये करते हुए देखा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अपनी माँ को देखता है इस सब चीज को सहते हुए, तो उसके दिमाग में ये भी सीख आ जाती है कि अगर मेरी माँ सहती थी मेरे बाप का जो अत्याचार है, तो मेरी बीवी जो है या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी बहन भी जो है, उसको भी मेरी माँ की तरह होना चाहिए और ये सब जो नॉनसेंसिकल बिहेवियर है, अब्यूज है या अत्याचार है, इसको सहना है। बेटी के ऊपर क्या, उसके दिमाग को क्या सीख मिली कि माँ बाप की लड़ाई हुई, बाप ने अगर माँ के ऊपर हाथ उठाया, तो बेटी ये सीखती है कि अगर आदमी और औरत में, हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होती है, तो अगर जो मेल है, जो पुरुष है, वो उसके ऊपर हाथ उठा रहा है, तो वो एक तरह से नॉर्मल है, जायज है, क्योंकि उसका फादर भी तो यही करता था, उसने सारी उम्र यही देखा जब वो बड़ी हो रही थी। तो अगर हस्बैंड उठा रहा है, बॉयफ्रेंड उठा रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि वो ये देखती थी कि उसकी माँ इस चीज को टॉलरेट करती आई है, सालों साल टॉलरेट करती आई, तो उसके दिमाग को क्या सीख मिली कि मैं भी अपनी माँ की तरह हूं, मेरे को भी ये सारा अब्यूज जो है टॉलरेट करना है। तो घर में वातावरण खराब हुआ, माँ बाप की अपनी तो बनी नहीं, उन्होंने एक तरह से हेरिटेज, एक तरह से विल लिखती वसीयत छोड़ दी अपने बेटे और बेटी के लिए कि वो भी बड़े होके इसी तरह के नरक में अपना जो जीवन है व्यतीत करें, उनकी भी कोई रिलेशनशिप जो है बहुत हेल्दी ना हो, बहुत ज्यादा स्टेबल ना हो। तो अगर आप देख रहे हैं और आपके घर में आपको लगता है ऐसा वातावरण है, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी बड़े होके आपकी जीरोक्स कॉपी, आपकी कार्बन कॉपी बने? ऑब्वियसली नहीं। अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको इमीडिएटली चेंज करना है। और जिससे एक एपिसोड पहला छोड़ के था, टैबुला रासा वाला, जहां पे मैंने लिखा था कि लिपि जो है बदल सकती है, आप आज ही अपना बिहेवियर चेंज करिए और जो आपने स्क्रिप्ट, जो आपने लिपि बच्चे के ब्लैकबोर्ड पे, स्लेट पे लिखी है, उसको इमीडिएटली ओवरराइड करने की कोशिश करिए, ताकि बच्चे की जो मानसिकता है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसमें चेंजेस आने लगे।